नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन। तो रिपोर्ट कार्ड हो गया खेसारी जी का। अब हम खेसारी जी के म्यूजिक चार्ट पर जाएंगे, उनके सॉन्ग चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे उनके किस गाने ने कितना धूम मचाया, किस गाने ने 100 मिलियन क्लब में अपनी जगह बनाई और गाना कौन सा है। हालांकि आप लोगों ने जो कमेंट किया था हमारे कम्युनिटी में, उसमें सिर्फ 8 गाने का जिक्र किया था आपने, लेकिन मैं बताने वाला हूं आपको 8 नहीं, टोटल 9 गाने हैं जो 2021 में 100 मिलियन क्लब में शामिल हुआ है खेसारी जी का। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। पहला गाना है जो जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा नाम, बबुआ के खुश करदा, क्योंकि ये गाना मेन चैनल पे है, सिर्फ 60 मिलियन व्यू है और आप लोग वहाँ देखे होंगे, ओवरऑल तो देखे हैं नहीं। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का है, 29 अगस्त को रिलीज किया गया है गाना और इसका टोटल व्यू मालूम है कितना है, 222 मिलियन। जी हाँ, खेसारी जी का सबसे हिट सॉन्ग है 2021 का, 222 मिलियन व्यूज के साथ बबुआ के खुश करदा। हालांकि आप लोगों ने लिस्ट में इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि आपने 60 मिलियन देखा, सिर्फ एक चैनल पे, मेन चैनल पे 60 मिलियन था, लेकिन ओवरऑल कई चैनल पे भी गाना है, सब मिला दें तो ये 222 मिलियन का है। और दूसरा नंबर है दुई रुपया। जी हाँ, आदिशक्ति फिल्म से रिलीज हुआ था 1 फरवरी को, अंतरा सिंह प्रियंका के साथ इनकी आवाज़ थी। इसका व्यू है 190 मिलियन। तीसरे नंबर पर है लागेलू जहर, शिल्पी राज जी के साथ, बालाजी रिकॉर्ड्स का गाना है, 11 जुलाई को रिलीज हुआ था, 57 मिलियन मेन चैनल पे व्यू है, मेन चैनल पे इसका व्यू 57 मिलियन है, जबकि इनका जो ओवरऑल व्यू है 158 मिलियन का है। जी हाँ, 158 मिलियन व्यू है ओवरऑल, बालाजी रिकॉर्ड्स पे है, 11 जुलाई को रिलीज हुआ था। अगला गाना है बस कर पगली, ये गाना 23 अगस्त को रिलीज हुआ था। इस गाने में खेसारी जी के साथ शिल्पी जी ने अपनी आवाज़ दी है, SRK म्यूजिक पर रिलीज किया गया था। मेन चैनल पे इसका व्यू आप देखेंगे तो 122 या 123 मिलियन दिखेगा आपको, लेकिन इसका ओरिजिनल व्यू है 148 मिलियन, यानी ओवरऑल व्यू, कई चैनल पे और भी गाना होगा। तो पाँचवें नंबर पर है बंगालनिया। जी हाँ, बंगालनिया काफ़ी हिट गाना था, आदिशक्ति फिल्म का गाना था और 13 अप्रैल को रिलीज हुआ था। मेन चैनल पे 109 मिलियन दिखा रहा है आपको, मेन चैनल पे 109 मिलियन दिखा रहा होगा, लेकिन खेसारी लाल, अंतरा सिंह, प्रियंका के साथ के इस गाने को जो व्यू मिला है वो है 139 मिलियन, यानी 139 मिलियन। छठे नंबर पे है धोखेबाज हो गया, प्रियंका सिंह की आवाज़ में, यानी खेसारी जी के साथ प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। छठे नंबर पे जो गाना है उसका नाम है धोखेबाज हो गया, खेसारी जी ने प्रियंका सिंह के साथ अपनी आवाज़ दी है इसको, SRK म्यूजिक ने रिलीज किया गया था, 8 जनवरी को गाना रिलीज हुआ है, मेन चैनल पे 105 मिलियन शो कर रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल व्यू है 139 मिलियन, ये भी 139 मिलियन व्यू पे है। सातवें नंबर पर जो गाना है, जो जिनका नाम आपने अपने लिस्ट में नहीं दिया लिखा होगा, वो गाना है सच के संवर के, ये गाना रिलीज हुआ है 2017 में, 1 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुआ है, लेकिन 2021 में इस गाने को जो व्यू मिले हैं वो भी व्यू है 139 मिलियन। जी हाँ, जबकि 4 साल में मेन चैनल पे व्यू है 130 मिलियन। आपको पता ही, गाने में काजल राघवानी और खेसारी जी साथ में हैं, फिल्म थी मुकद्दर, इसका टोटल व्यू पिछले साल का 139 मिलियन है। इसके बाद नंबर आता है सारेगामा हम भोजपुरी पे रिलीज हुआ गाना अपनी तो ऐसे तैसे, इसमें खेसारी जी के साथ शिल्पी राज थी, गाना 27 जनवरी को रिलीज हुआ था, मेन चैनल पे 128 मिलियन व्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल व्यू 137 मिलियन का है। अब जो 9वें नंबर पे गाना है, उस गाने का नाम है भतार मोड़ टेम्पो का ड्राइवर, म्यूजिक वाइड कंपनी है कोई, उस पर रिलीज हुआ था गाना 19 फरवरी को, मेन चैनल पे गाने को दिखा रहा होगा 101 मिलियन व्यू, लेकिन इसका कुल व्यू है 130 मिलियन। तो ये था खेसारी लाल यादव जी का म्यूजिक चार्ट।
उनके 9 गाने को 2021 में 100 मिलियन से अधिक व्यू मिला है। अब 2022 कैसा होगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और दूसरे स्टारों की म्यूजिक चार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएन।